My dear friends, today I am taking obscenity and nudity. The definition of obscenity and nudity. ये obscenity and nudity क्या है? ये है यानी भद्दापन, गंदापन, नंगापन, किसी भी तरीके से पिक्चर के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से, सॉन्ग्स के माध्यम से, यानी गंदापन किसी प्रकार भी फैलाया जा सकता है। इसके हमारे इस टॉपिक में तीन काइंड्स इसकी दी हुई है। तीन कौन कौन सी हैं? एक सेक्शन 292 के अंडर, दूसरा सेक्शन 294 के अंडर, तीसरा सेक्शन 293, 294। तीन सेक्शन दे रखे हैं जो इसको एक्सप्लेन करते हैं, किसको? ऑब्सिनिटी एंड न्यूडिटी को। मीनिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू ऑब्सिनिटी एंड न्यूडिटी आर इनुमरेटेड इन सेक्शन 292 टू सेक्शन 294 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 292 प्रोवाइड्स दैट सेल्स लेट्स टू हायर डिस्ट्रीब्यूट पब्लिकली एग्जिबिट्स और इन एनी मैनर पुट्स इन सर्कुलेशन और फॉर द पर्पजेज ऑफ सेल्स हायर डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक एग्जिबिशंस और सर्कुलेशन मेक्स प्रोड्यूसेस और हैज इन पोजेशन एनी ऑब्सीन बुक पैम्फलेट पेपर ड्राइंग पेंटिंग व्हाटसोएवर। सेक्शन 293 प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर दोज हु सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स टू यंग पर्संस। हुएवर डज दिस वर्क शैल बी पनिश्ड इन फर्स्ट कन्विक्शन फॉर 2 years एंड मे बी एक्सटेंडेड टू 3 years फॉर सेकेंड कन्विक्शन। सेक्शन 294 प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स। हुएवर टू अनॉइंस द अदर डज एनी ऑब्सीन एक्ट इन एनी पब्लिक प्लेस बी सिंग्स रिसाइट्स और अटर्स एनी ऑब्सीन सॉन्ग नियर एनी पब्लिक प्लेस। माई डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले भी बताया कि तीन सेक्शन हैं, 292, 293, 294। 292 में पब्लिकेशन आती है, 293 में सेलिंग आती है और 294 में सिंगिंग और एक्टिंग आती है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप जैसे पब्लिकेशन का काम है, एक व्यक्ति ड्राइंग बनाता है, पेंटिंग बनाता है या किसी चीज़ को यानी प्रिंट करता है या करवाता है बुक्स के माध्यम से, पैम्फलेट के माध्यम से, और देर आर सो मैनी मेथड्स ऑफ पब्लिकेशन। यानी पब्लिकेशन किस में आता है? सेक्शन 292 में। यानी जितने ऑब्सीन मैटर्स हैं उनका पब्लिकेशन सेक्शन 292 में आता है। देखो, कुछ व्यक्तियों का यही काम होता है, गंदे चित्र बनाना, गंदी बुक बनाना, गंदी ड्राइंग बनाना, गंदी पेंटिंग बनाना, नंगी महिलाओं की तस्वीर बनाना, ये इस प्रकार की जो पब्लिकेशन है ये सब सेक्शन 292 के अंडर आती है। अब ये तो काम हो गया पब्लिकेशन का, फिर पब्लिकेशन के बाद फिर वो इनको रख कर थोड़ा बैठेगा, फिर इसको बेचेगा। किन को बेचेगा? यंग पर्संस को बेचेगा। ये सेक्शन 293 में आता है। यानी जितनी भी चीज़ें उसने तैयार की, यानी पूरा पब्लिकेशंस जिस प्रकार का भी तैयार किया वो फिर उसको बेचता है, ये किस में आता है? सेक्शन 293 में। और यदि वो बेचता हुआ पकड़ा जाता है
तो फिर उसकी सज़ा होती है 2 साल की, दूसरी कन्विक्शन में 3 साल की, और फाइन भी साथ में, और बोथ भी, दोनों यानी दोनों भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये था दूसरा कार्य 293 के अंतर्गत यानी सेलिंग का। अब तीसरा है 294, 294 में क्या होता है, यानी इसमें एक्टिंग होती है, सिंगिंग होती है। एक व्यक्ति गंदे सॉन्ग कहीं पब्लिक प्लेस पर गाता है तो ये तो गलत है ना, या गंदी एक्टिंग करता है पब्लिक प्लेस के ऊपर, ये सब इस 294 में आता है। और ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार के गंदी एक्टिंग करते हैं या गंदे सॉन्ग गाते हैं पब्लिक प्लेस पे, वो सभी इस क्लॉज के अंदर आते हैं, इस सेक्शन में आते हैं 294 में, और उनको पनिशमेंट भी इसी प्रकार से 2 साल और 3 साल की मिलती है। तो साथियों ये था ऑब्सिनिटी एंड न्यूडिटी। ऑब्सिनिटी एंड न्यूडिटी यानी इसका सार क्या है, मैं 2 लाइनों में ही 3 लाइनों में आपको बता दूं। सेक्शन 292 ये पब्लिकेशन के लिए आता है, और पब्लिकेशन में कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको पनिशमेंट दिलाता है, ये सेक्शन 292। और पनिशमेंट क्या होगी, 2 साल की, और फिर पकड़ा जाए तो 3 साल की। सेक्शन 293 क्या है, जो माल उसने पब्लिकेशन किया था, ड्राइंग पेंटिंग की थी, नंगे चित्र तैयार किए थे, उनको यंग लड़कों को बेचना, ये 293 में आता है। और वो ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसकी भी सजा 2 साल की और 3 साल की, पहली और सेकंड कन्विक्शन में। अब तीसरी प्रकार से सेक्शन 294, इसमें क्या आता है, पब्लिक प्लेस पे गंदी एक्टिंग करता हुआ, गंदे सॉन्ग गाता हुआ पकड़ा जाए तो उसकी सजा भी यही है, 2 साल की और 3 साल की, फर्स्ट और सेकंड कन्विक्शन में। तो साथियों ये था ऑब्सिनिटी एंड न्यूडिटी, सेक्शन 292, सेक्शन 293, सेक्शन 294, सेक्शन 292 फॉर पब्लिकेशन, सेक्शन 293 फॉर सेलिंग, सेक्शन 294 फॉर एक्टिंग एंड सिंगिंग। इन ऑल द केसेस द पब्लिकेशन और सेलिंग और सिंगिंग ऑफ ऑब्सीन activities and nudity also. So my dear friend, I think the concept is clear to you. In the last, I want to make a request to you, subscribe the channel. The name of my channel, Maths by Dharamveer Singh Dabas. Thanks.